आज इस बात को लेकर प्रदर्शन किया कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी ने इस कोरोना महामारी के अंदर ये निर्देश दिए थे कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। इसी को लेकर के जो विधायकों के द्वारा जो खाद्य सामग्री वितरित की गई उसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। नगर निगम जो है कार्यकारी एजेंसी है और उनके द्वारा हमारे जमादार इंस्पेक्टर को बुलाया गया और उन्होंने सामग्री फायर स्टेशन से ले जाकर के बूथों तक पहुंचाई। लेकिन जब बूथ पे सामग्री पहुंच गई तो उसके बाद में उन्होंने उस सामग्री को भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा बंटवाया गया। ये जो भारतीय जनता पार्टी के दोनों विधायक है अजमेर के अंदर, उन दोनों ने इस महामारी के अंदर, वैश्विक महामारी के अंदर भी कोरोना जैसी ऐसी महामारी चल रही है जिसमें कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, इसके अंदर सबको एकजुट होकर के ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करने का माध्यम है। सम्माननीय अशोक गहलोत जी, हमारी राजस्थान सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, उनका ये उद्देश्य है कि वो किसी भी सूरत में कोई आदमी भूखा नहीं सोए। लेकिन इन्होंने इसमें भी राजनीति की है, नगर निगम के माध्यम से सामग्री तो पहुंचा दी लेकिन वहाँ बूथों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा वहाँ पर सामग्री वितरित की गई, इसमें भी ये राजनीति कर रहे हैं। मेरी इन दोनों विधायकों से अपील है कि शहर के अंदर इस तरह की राजनीति नहीं करें। इस कोरोना महामारी के अंदर हमारे नगर निगम के जितने पार्षद है, हम लोग रात दिन लगे हुए हैं, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे और किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, और हमने निगम परिवार ने कभी भी कोई राजनीति नहीं करी। निगम के जितने पार्षद है हमने मिलकर के इस राजनीति से ऊपर उठ करके इस महामारी में सबका सेवा करने का काम किया है। नौरथ गुजर सारे दक्षिण के विधायक पार्षद इकट्ठे हुए हैं, वो इस कारण से हुए हैं कि जो रसद सामग्री बांट रही है अनिता बदेल जी, वो किस आधार पर बांट रही है? या तो उसी बीएलओ की लिस्ट के आधार पर बांट रही है जो पूर्व में हमने विरोध किया था। ऐसे ऐसे अपात्र आदमियों को छोड़ा हुआ है जो बेचारे किराए पर रह रहे हैं, जो राज्य सरकार की किसी भी योजना में शामिल नहीं है। उन आदमियों को आप राशन नहीं दे रहे हो? आप उन आदमियों को राशन दे रहे हो जो रेलवे में नौकरी करते हैं, जिनका बीपीएल चालू है, जिनके घर में चार चार पाँच पाँच आदमी कमाने खाने वाले, लेकिन उस आदमी के पास में रसद सामग्री नहीं पहुंच पा रही है जो एक्चुअल इसका हकदार है, जो राज्य सरकार की किसी भी योजना में वो शामिल नहीं है। तो हमारा माननीय अनिता बदेल जी से ये कहना है कि आप इस जगह तो कम से कम राजनीतिक ना करें। ऐसी दुख की घड़ी के अंदर भी तो एक्चुअल आदमी के पास में भोजन सामग्री पहुँचे, मेरा ये कहना है अनिता बदेल जी। जो मुख्यमंत्री जी द्वारा टीवी पर अभी एड चल रहा है कि 2 अप्रैल से फुटकर मजदूर, कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग और ठेला मजदूर, इनको सभी को खाद्य सुरक्षा के तहत ना होते हुए भी उनको अनाज दिया जाएगा, लेकिन अजमेर कलेक्टर के द्वारा एक भी व्यक्ति को अभी तक एपीएल पे भी नहीं दिया गया और बीपीएल पे तो ऑलरेडी मिलता ही है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि आधार कार्ड पर भी उनको अनाज वितरित किया जाएगा, लेकिन अजमेर कलेक्टर के द्वारा खाद्य सुरक्षा के अलावा किसी भी व्यक्ति को ना तो कच्ची बस्ती के लोगों को अनाज मिल रहा है, ना ठेला मजदूरों को मिल रहा, ना फुटकर लोगों को मिल रहा। आज लोगबागों को अगर अनाज मिल जाए तो लोगबाग अपने घर से निकलेंगे नहीं, और अजमेर के अंदर जो DSO है उनों के द्वारा ये प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि एक प्रत्येक वार्ड के अंदर जाके क्षेत्रीय पार्षद या नगर निगम का कोई भी कर्मचारी लगाकर डोर टू डोर जो खाद्य सुरक्षा है, अनाज का वितरण है, वो सुचारू रूप से हो, क्योंकि 2,500 रुपये मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रत्येक के खाते में आगे हैं, ठेला मजदूर के भी आगे, एपीएल के भी आगे और कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों के भी आगे, तो उनको अनाज का लाभ क्यों नहीं मिल रहा? मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी से भी अपील करूँगा, सचिन पायलट जी से भी अपील करूँगा कि जो कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग हैं और जो फुटकर हैं, जो एपीएल पे उनको आज तक जो लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसे समय में जब दुख की घड़ी है, लोगबाग अपने घरों में बैठे हुए हैं और लोगबागों की मजदूरी बंद हो गई है, उनको कम से कम खाद्य सुरक्षा का लाभ ना देते हुए भी उनको नाज दिया जाना चाहिए। श्रवण टोनी, पार्षद नगर निगम अजमेर।